हाय स्टूडेंट्स, एक काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया। ठीक है, बहुत बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर अब नेक्स्ट ईयर से जो है हमारा बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं। ठीक है, 10th और 12th में। तो बच्चों इसी को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका दूर हो जाए, आपका समस्या दूर हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखना और कैसा लगेगा कॉमेंट्स जरूर करना बच्चों। ठीक है, तो खास करके बच्चों यदि आप 9 और 11 में हो अभी, ठीक है, यानी आप 9 और 11 का एनुअल एग्जाम आप लिख रहे हो, ठीक है, तो आप लोग के मन में बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आया है कि पता नहीं बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं, क्या होगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट के तहत, ठीक है, तो बच्चों देखो जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट ये जो है, ठीक है, तो बच्चों जो क्या है देखो, अभी सेशन है 23-24, ठीक है, अभी जो बच्चे हैं 10th और 12th में वो तो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अब क्या है बच्चों कि जो आप 9 में हो, ठीक है, वो आप जाओगे एनुअल एग्जाम अभी 9 में दे रहे हो तो 10th में जाओगे कुछ दिन बाद, एक महीना बाद अभी 11 वाले 12 में जाएंगे, तो आपका सेशन जो होगा बच्चों वो 2024-25 होगा। आप ही का मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो काफी रोचक होगा, काफी इंटरेस्टेड होगा, तो आप पूरा वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा और आपका हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको इसमें बहुत कुछ मैं बताऊंगा और एग्जाम्पल के तहत मैं लेके चल रहा हूँ और बताऊंगा पूरा देखा। ठीक है, अब तो देखो बच्चों, आप देखते हैं बच्चों हमारे यहाँ एक इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, जी मेंस का, ठीक है, जी मेंस का एग्जाम होता है। आप देखते हैं बच्चों ये दो बार होता है हर साल, ठीक है, एक देखते हैं बच्चों जनवरी में होता है, ठीक है, और एक आपका होता है अप्रैल में, ठीक है, दो बार होता है। ठीक है, यदि आप 12 के स्टूडेंट हैं, 11 के हैं, तो आप प्रिपेयर कर रहे होंगे इंजीनियरिंग के, ठीक है, और 10th के बच्चे जो हैं वो भी अपने बना रहे होंगे फ्यूचर के, हमको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, या जो 9 से 10 जा रहे हैं उनका भी होगा इंजीनियरिंग का। तो बच्चों एक जी मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें दो बार होता है, ठीक है, दो बार में आपको यहाँ क्या है बच्चों देखते हो ना कि आपने पहला बार जब जनवरी में दिया आपको इसमें 95 मान लीजिए आपका 95% आया और इसमें आपका आया 97% आया, ठीक है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या है बच्चों जो रिजल्ट देखा जाएगा ना, आपका ये देखा जाएगा, ठीक है, तो ठीक बच्चों क्या है, ऐसे ही कुछ होने वाला है आपके साथ जब आप 10th में जाओगे, 10th में या 11 वाले जब 12 में जाएंगे, ठीक है, तो अभी कब होगा आपका दोबारा एग्जाम ये अभी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन दो बार होगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम आपका दो बार होगा जी मेंस जैसा। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या है, तो हो सकता है टाइम क्लियर नहीं किया है लेकिन दो बार होगा और श्योर है बच्चों, आप जैसे जनवरी अप्रैल फरवरी मार्च लगभग 3 महीना का गैप है जी मेंस में, ठीक है, तो आपको भी दो बोर्ड एग्जाम के बीच 3 महीना का श्योर है कि गैप मिलेगा। और अभी पूरा सिलेबस CBSE क्लियर नहीं किया है लेकिन अब हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपका दो बार, ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। अब क्या क्या बेनिफिट होगा बच्चों वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो बच्चों देखो जो फर्स्ट टाइम होगा दो बार बोर्ड होगा, फर्स्ट होगा और एक सेकेंड बोर्ड होगा, ठीक है, अब बच्चों देखो जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ कि आप 10th के हैं तो 10th में है बच्चों आपका 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी में 5 लेकर चल रहा हूँ ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक आपका साइंस है, ठीक है, एक आपका SST होता है और एक मैथ हम लोग ले रहे हैं, मैथ में भी आप देखोगे बच्चों स्टैंडर्ड है, बेसिक है, तो मैं ज़्यादा नहीं या कुछ आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों जो आप फर्स्ट टेस्ट दिया, ठीक है, देखो बच्चों यहाँ दे दिया फर्स्ट में, ठीक है, जब फर्स्ट में दिया बच्चों, ठीक,
या 100 मार्क्स का है सर। ठीक है, अभी क्या है वो इंटरनल लेगी नहीं लेगी इसका कुछ क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको 100 लेके यहाँ जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो बच्चों यहाँ क्या किया, इंग्लिश में आपने 90 लिया, ठीक है, दूसरा में आप दिया तो यहाँ आपको 99 आता है। ठीक है, तो इंग्लिश का जो मार्क्स है बच्चों आपको ये रहेगा 99। ठीक है, यानी आप सेकेंड में अच्छा किए तो आपका सेकेंड वाला जो रहेगा वो आपको सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा, फर्स्ट वाला का कोई उस समय आपका नहीं है। अब बोलोगे सर हम तो फर्स्ट में दिए थे अच्छा आया, सेकंड वाला दिए खराब आया, तो बच्चों आपको दोनों में से जो अच्छा रहेगा ना वो आपका जुटेगा। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों और एक का बेनिफिट। ठीक है, आपने क्या किया बच्चों कि फर्स्ट में दिया ये सपोज कर लो बच्चों मैथ में यह आपका 80 आ गया। ठीक है, ये सब में आपका सब में 95 है, इसमें भी 96 है, इसमें 97 है, आपका एक सब्जेक्ट मैथ में जो है फर्स्ट टर्म जब आपने दिया 80 आया। ठीक है, अब बोलोगे कि इसमें 90 आया दो में, ठीक, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो बच्चों जानते हो, जो सेकंड टर्म होगा आप ये दो में एग्जाम देते हैं, दो में आप दे सकते हो कि सर हमने इंग्लिश में देंगे। ठीक है, सिर्फ आप यहाँ तब क्या कर सकते हो, इंग्लिश मैथ में खराब है, ठीक है, तो आप इंग्लिश और मैथ का दे के आप अपना रिजल्ट को सुधार सकते हो। मान लो इसका आपने नहीं दिया, ये तीनों में आपका काफ़ी अच्छा मार्क्स है, आप इससे ज़्यादा आपको लग रहा है कि हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दो में आपको लग रहा है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, 3 महीना टाइम है। ठीक है, तो आप उसको इम्प्रूव करके ये 90 को बढ़ा के आप 95 कर सकते हैं, देखे ये 80 को आप 93-94 जो आएगा मान लीजिए बढ़ा के कर सकते हैं। तो बच्चों क्या होगा, जो ये आपका इंग्लिश का है ना फर्स्ट टर्म वाला ये हट जाएगा, और आपका रिजल्ट में जो ये मार्क्स है 95, 95, 96, 97, ये 93 ये रिफ्लेक्ट होगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपका जो है डाउट क्वेश्चंस दूर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।